अभी ये तो अनएक्सपेक्टेड था, हमको लग रहा था कोई WDP-4 या WDG-4 ऐसा कोई लोकोमोटिव लगा होगा। ये कोच भी भाई साहब काफी हद तक खाली ही पड़ा हुआ है। गर्मा गर्म वो फ्रेश समोसा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 10 रुपए का एक है। ट्रेन नंबर 15,670 नागालैंड एक्सप्रेस, जो कि आसाम के डिब्रूगढ़ को आसाम के गुवाहाटी से कनेक्ट करती है, और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 558 किलोमीटर कवर करती है 13 घंटे 55 मिनट के समय में, और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 40 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस नागालैंड एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो ये है एंट्रेंस अपनी डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन की, और सामने में देखो डिस्प्ले लगी हुई है, यहाँ पर मेंशन भी हो रहा है अपनी नागालैंड एक्सप्रेस खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, यहीं से निकलती है ये ज़्यादातर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन के। तो ये रही अपनी नागालैंड एक्सप्रेस, ऑलरेडी लगी हुई है प्लेटफॉर्म पे, बट अभी फिलहाल इसके जो है गेट वगैरह ओपन नहीं हुए हैं। वैसे आज इस नागालैंड एक्सप्रेस में जिस कोच में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं वो है ये 3rd AC का B1 कोच, और कोच में यहाँ पर एंटर करती भाई साहब आपको एकदम अलग ही फील आने वाला है, जबकि ICF पुराना कोच है, लेकिन मेंटेनेंस बहुत सही देखने में लग रही है इस कोच की। बाकी अभी अंदर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो ये है इस कोच का फर्स्ट लुक, फर्स्ट इम्प्रेशन, साफ सफाई एकदम जबरदस्त है। और आज जो अपनी सीट है इस नागालैंड एक्सप्रेस में वो है अपनी फेवरेट साइड अपर बर्थ है, सीट नंबर 32। और एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है भाई कि बहुत पुराना कोच होने के बाद भी ऊपर नीचे 2 चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पर भी 3 यहाँ और 2 यहाँ चार्जिंग सॉकेट, 2 और देखिए मतलब जितनी सीटें उतने चार्जिंग सॉकेट आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेंगे। तो चलो फटाफट आगे की साइड चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी नागालैंड एक्सप्रेस में आज कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है। वैसे आपको बता दें एंड टू एंड ये ट्रेन जो है डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है। चलो आगे दिखाते हैं कौन सा डिल्लू भाई आज अपनी ट्रेन में लगा हुआ है। आज अपनी ट्रेन में लगा हुआ है एल्कोर डीजल लोकोमोटिव WDM-3 लोकोमोटिव। वैसे एक दो जर्नीज में हमने आप लोगों से ही पूछा हुआ था कि कमेंट्स में बताना भी फिलहाल कौन सी ट्रेन में अपना जो है एल्को डीजल लोकोमोटिव ऑपरेशनल है, ताकि आप लोगों को एक बार और एक्सपीरियंस कराया जाए, एल्को डीजल लोकोमोटिव की चंगे वगैरह सुनाई जाए। तो भाई फाइनली अभी ये तो अनएक्सपेक्टेड था, हमको लग रहा था कोई WDP-4 या WDG-4 ऐसा कोई लोकोमोटिव लगा होगा, बट आगे की साइड आए हैं जब देखा है तो भाई WDM-3 लोकोमोटिव लगा हुआ है, एल्को डीजल लोकोमोटिव। बहुत लंबे समय हो गया है भाई इस ट्रेन की, इस लोकोमोटिव की चगिंग वगैरह सुने हुए, रिकॉर्ड की और आपको दिखाया। तो चलो आज फाइनली, वैसे अपना कोच जो है काफ़ी पीछे को है, उसके बाद पूरे स्लीपर हैं, फिर 3 जनरल हैं, उसके बाद लगा हुआ है अपना एल्को डीजल लोकोमोटिव। लेकिन हम आगे की साइड आ आके जितना होगा एक दो बार आएंगे और कवर करेंगे भाई, आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे इस लोकोमोटिव की चगिंग वगैरह। और आगे ये जो रूट है पूरा डीजल सेक्शन है, और साथ में अपना एल्को डीजल लोकोमोटिव 4 चांद लगा देगा भाई, मज़ा आएगा। और जब टी गार्डन से चेकिंग के साथ अपना लोकोमोटिव दौड़ेगा, मज़ा आने वाला है आगे जर्नी में। अपने निर्धारित समय से लगभग 2 मिनट की देरी से हम लोगों का डिपार्चर हो चुका है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से। वैसे डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपको बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे, जहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे कि बिस्किट हो गया और बेकरी आइटम्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देख रहे हो रोल वगैरह और समोसा और ये सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा वगैरह भी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी स्टॉल्स पे। जैसा लोकोमोटिव हम लोगों की ट्रेन में लगा है बस वैसा ही एक लोकोमोटिव यहाँ भी है, बस ये है WDG-3 है और अपनी ट्रेन में लगा हुआ है WDM-3 है। अपनी नागालैंड एक्सप्रेस निकल चुकी है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस नागालैंड एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें, और डेली दोपहर में 2:20 पर निकलती है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से, और अगले दिन सुबह 3:30 पर पहुंचा देती है गुवाहाटी। बस ट्रेन अभी चली है और एल्को लोकोमोटिव ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। ये देखो अभी तो काफ़ी आगे है लोकोमोटिव, कोई नहीं आगे जाके भी आपको एकदम क्लियर साउंड भी सुनवाएंगे हम एल्को डीजल लोकोमोटिव के। अभी ये जो सेक्शन है आप ऊपर की साइड देख ही रहोगे, इलेक्ट्रिफिकेशन की लाइन नहीं है बट पिलर्स वगैरह लगने स्टार्ट हो गए हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी आगे बढ़ रहा है, और कुछ टाइम में यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दौड़ते हुए मिलने वाले हैं। ये
ये देखो भाई साहब, अभी टी गार्डन्स भी दिखने स्टार्ट हो गए हैं। तगड़ा यहाँ पर नज़ारा, ऊपर से सन की रेज भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। वैसे नॉर्मली अभी नॉर्थ इंडिया साइड जो है एकदम गर्मी स्टार्ट हो गई है, धूप वगैरह अच्छी वाली निकल रही है, लेकिन यहाँ पर हम पिछले दो दिन से देख रहे हैं भाई, यहाँ पर धूप वगैरह नहीं है, एकदम बादल हुए पड़े थे। अभी थोड़ा सा यहाँ पर सनलाइट तो दिख रही है, लेकिन डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन के आसपास एकदम बादल थे और एकदम ठंडक है। अभी भी यहाँ पर ठंडक है, जो हवा चल रही है एकदम ठंडी है ये। ये था अपना धामलगांव रेलवे स्टेशन जो कि अभी क्रॉस हुआ, यहाँ से लाइन अलग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पर जो है रूट होना अलग स्टार्ट हो चुका है, ये देख रहे हो ट्रेन अपनी कर्व पे आ गई है, और जिस रूट पे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे ये अपनी मरियानी जंक्शन वाला रूट है, इस पर अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक रूट और यहाँ से अलग हो जाता है, इस लाइन की हम बात कर रहे थे जो कि यहाँ से अलग होनी स्टार्ट हो गई है। ये जो लाइन है ये जाती है बोगीबील ब्रिज से होती हुई नॉर्थ लखीमपुर ईटानगर, मतलब अपना नहर लगुन के लिए। तो यहाँ से ये लाइन अलग हो गई है, ये जाती है नहर लगुन के लिए। तो जो भी ट्रेनें जाती हैं नहर लगुन के लिए इसी लाइन से होकर जाती हैं, बोगीबील ब्रिज होती हुई, और वहाँ पर बहुत दूर वो देखो बोगीबील ब्रिज दिख भी रहा है, बहुत कम बहुत, वो देखो काफ़ी ज़्यादा दूर है खैर यहाँ से। तो खैर वो जो जर्नी है बोगीबील ब्रिज से होते हुए नहर लगुन जाने वाली, वो हमने ऑलरेडी की हुई है चैनल पे, आप देख सकते हो, वो भी विस्टाडोम कोच में की हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया है उस जर्नी को किए हुए, तो आप चैनल पे देख लेना। इंटरसिटी एक्सप्रेस एक चलती है टिनसुकिया से नहर लगुन के लिए, उसके विस्टाडोम कोच में हमने ट्रैवल किया हुआ था। तो बयालीस किलोमीटर की जर्नी करके आ चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे मोरनहट रेलवे स्टेशन, जो कि असम के चराइदेव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे टोटल दो ही प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 10 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है, और अपनी ट्रेन को यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे ज़्यादा कुछ आपको फैसिलिटी वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगी, आगे की साइड में एक स्टॉल तो है जहाँ पर कुछ खाने पीने के आइटम्स आपको मिल जाएंगे, बट उसके अलावा और कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इस रेलवे स्टेशन में। बाकी आगे रूट में भी देखेंगे हम लोग खाने पीने की क्या चीज़ें मिल सकती हैं या नहीं। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था, 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन अब निकल चुकी है मोरनहट रेलवे स्टेशन से, और जिस स्टॉल की हम बात कर रहे थे तो वो ये है, यहाँ पर आगे की साइड में है थोड़ा ये स्टॉल मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत खाने पीने के आइटम्स चाय नाश्ता ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इस स्टॉल पर। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था अपना कोच जो है थोड़ा पीछे की साइड में है, और इसलिए चगिंग वगैरह उतनी क्लियर नहीं आएगी, लेकिन क्लियर क्या, यहाँ तो आ ही नहीं रही है, कोई भी साउंड आ ही नहीं रहा है लोकोमोटिव का। कोई नहीं, अभी अंदर ही अंदर जो है अपन लोग आगे की साइड चलते हैं। वैसे अपने आगे एक लगा है सेकेंड AC, उसके बाद लगी हुए 6 स्लीपर के कोच, उसके बाद 3 लगे हैं जनरल कोच आगे की साइड में, और 3 जनरल कोच तो खैर पीछे भी हैं, लेकिन आगे 3 जनरल कोच है उसमें तो अंदर ही अंदर नहीं जा सकते, तो अभी स्लीपर तक जो है अंदर ही अंदर चलते हैं, फिर नेक्स्ट जो हॉल्ट आएगा उससे अपन और आगे चलेंगे, ताकि और क्लियर और अच्छे से आपको एक बार एल्को लोकोमोटिव की चगिंग वगैरह उसका जो साउंड है वो सुनवा दें, वो एक्सपीरियंस भाई कर लेते हैं। पता नहीं कब तक जो है ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेगी। वैसे ये जो रूट है इसका भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल ही रहा है, हमने आपको दिखा दिया, पिलर्स वगैरह लग गए हैं, कहीं कहीं लाइन भी डल गई है, और आने वाले कुछ महीनों में यहाँ भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलता हुआ देखने को मिलने वाला है हम लोगों को आने वाले समय में।
अभी जितना भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कितनी भी चीजें आपको दिखा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं। तो अभी स्लीपर कोचेस से होते हुए हम जा रहे हैं आगे की साइड में, और ये है भाई स्लीपर कोचेस इस ट्रेन के। ज्यादा क्राउडेड तो नहीं है क्योंकि जनरल कोच काफी लगे हुए हैं। क्राउडेड तो क्या, अभी सीटें ही पूरी खाली पड़ी हुई है। वैसे करंट में जो है ना बहुत ज्यादा सीटें खाली थी इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में भी, तो क्राउड इतना ज्यादा नहीं चलता है इस ट्रेन में। ये कोच भी भाई साहब काफ़ी हद तक खाली ही पड़ा हुआ है। लगभग सारे स्लीपर कोच जो है खाली ही पड़े हुए हैं। ये लो अभी एंड वाले स्लीपर कोच में हम लोग आ गए हैं। इससे आगे जा ही नहीं सकते। कोई नहीं, अब अगला जो हॉल्ट आएगा वहाँ पर उतरेंगे और फिर आगे जाएंगे जनरल कोच की साइड में। किलोमीटर की जर्नी करके आ चुके हैं। अभी हम लोग अपने सेकंड स्टॉप पे शिवसागर टाउन रेलवे स्टेशन, जो कि आसाम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये शिवसागर जो है ना, ये अपने आर्किटेक्ट के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे आपको 350 से भी ज्यादा प्राचीन समय की मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाएगी। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का होल्ट है। वो आगे की साइड चलते हैं फटाफट जनरल कोच की तरफ। और भाई क्यों जाना, आपको पता ही है ना। तो चलो फटाफट आगे की साइड चलते हैं जनरल कोच की तरफ, क्योंकि एल्को की जो चेकिंग है वो वहीं से सही मिलेगी। ये देखो D3, इसके आगे है D2 और D1, मतलब पहला जनरल कोच जो है वहीं पर हम लोगों को चलना है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे भी आपको स्टॉल्स वगैरह एक वहाँ पर है और एक यहाँ पर है। एक दो स्टॉल्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह आप ले सकते हो। वैसे शाम का समय है। तो ये आ गए अपन लोग एकदम आगे की साइड में, वो रहा अपना एल्को डीजल लोकोमोटिव, और ये है अपना D1 पहला जनरल कोच। शिवसागर टाउन रेलवे स्टेशन जो है पूरा कर्व पे ही बना हुआ है, पूरा कर्व ट्रैक है इस रेलवे स्टेशन पे। तो ट्रेन अपनी निकल रही है एकदम कर्व पे से ही, और साथ में ऊपर की साइड में तिरंगा दिख रहा है, तो और ही चार चांद लग रहे हैं भाई इस कर्व के व्यू को। Thank you.
इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात कर ही रहे थे और यहाँ पर देखो अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल ही रहा है। हम लोग एंटर कर रहे हैं सिमोलगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिमोलगुड़ी जंक्शन जो कि आसाम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर तीन लाइन आकर मिलती है, एक आती है डिब्रूगढ़ से, इससे भी हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है तिनसुकिया के लिए और एक लाइन चली जाती है मरियानी जंक्शन होती हुई लमडिंग होती हुई गुवाहाटी के लिए। इस पर भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी इस रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। बाकी अभी तक आपको ये एल्गो चेकिंग कैसी लगी है अपने इस डीजल लोकोमोटिव की कमेंट जरूर बताना। अभी आगे और भी जो है रिकॉर्ड करेंगे अपन लोग, आगे और भी अच्छे अच्छे व्यूज़ अभी कैप्चर करेंगे क्योंकि अभी जो है बिल्कुल सनसेट का टाइम हो रहा है। खैर इतना ज़्यादा जो है सनराइज़ तो आज नहीं हुआ है इस साइड को, लेकिन जितना भी है व्यू वगैरह हम आपको दिखाते हैं जितना ही पॉसिबल है अभी डे टाइम में, तो ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। बाकी इस रेलवे स्टेशन में 5 मिनट का हॉल्ट तो है ही और स्टॉल्स वगैरह भी है, देख रहे हो हमारे पीछे एक स्टॉल है, तो चलो फटाफट यहाँ की चाय वगैरह ट्राई कर ली जाए शाम के टाइम। तो अभी यहाँ पर गर्मा गर्म चाय तो ले ली है और साथ में समोसा भी मिल गया है गर्मा गर्म, तो सोचा ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर समोसा चाय ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको शाम के टाइम। बाकी ये देखो अपना एल्को डीजल लोकोमोटिव बिल्कुल बगल में ही आगे की साइड है। अभी यहाँ पर जो समोसा लिया था इसको ट्राई किया है, वैसे ऊपर की पपड़ी पपड़ी ये भी खाई है। अब चलो स्टफिंग देखते हैं अंदर कैसी है। सही है, गर्मा गर्म वो फ्रेश समोसा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 10 रुपये का एक है और स्टफिंग भी इसकी सही है, टेस्ट सही है। तो फटाफट जो है चाय भी ट्राई कर लेते हैं यहाँ की। सही है, यहाँ की चाय भी ठीक है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। इस रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने के नाश्ते के ऑप्शंस मिल जाएंगे शाम के टाइम। अपनी नागालैंड एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 5 मिनट का होल्ड था, लेकिन अभी लगभग 10-12 मिनट से रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि यहाँ पर होनी है ट्रेन की क्रॉसिंग। देखो सामने से एक ट्रेन आ भी रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन होने वाली है। EMD लोकोमोटिव लगा हुआ है खैर इस ट्रेन में, इसी ट्रेन की क्रॉसिंग की वजह से हम लोगों को रोक के रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर सिंगल डीजल लाइन है अभी फिलहाल ये रूट। और ये देखो लोकोमोटिव लगा हुआ है, WDP 4D लोकोमोटिव है। ये अपनी रंगिया तिनसुकिया पैसेंजर ट्रेन रंगिया से आ रही है, तिनसुकिया के लिए जा रही है। जैसे कि हमने बताया था अलग अलग लाइन्स आकर मिलती है, मतलब रंगिया गुवाहाटी होती हुई आई है अभी ये ट्रेन, और अभी आगे की साइड इस साइड में जो है लाइन अलग हो जाती है तिनसुकिया वाली, तो ये ट्रेन अब बढ़ेगी तिनसुकिया के लिए। क्रॉसिंग के चक्कर में रुके हुए थे, जैसी क्रॉसिंग हो गई अब अपनी ट्रेन को भी सिग्नल मिल गया है यहाँ से निकलने का। और ये देखो काफ़ी सारा जो है कच्चा केला जो है अपनी ट्रेन से अभी ये उतारा गया है आगे की साइड से।
वैसे इस ट्रेन में आपको 6 जनरल कोचेस देखने को मिल जाएंगे, 3 पीछे की साइड, 3 आगे की साइड में। इसी वजह से इस ट्रेन की जनरल कोचेस में भी इतना ज़्यादा क्राउड आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम देख रहे हैं जनरल में ही ट्रैवल कर रहे हैं, अभी पिछले 2-3 रेलवे स्टेशन से, तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। आप इजिली अगर चाहो तो जनरल में इस ट्रेन के ट्रैवल कर सकते हो। बाकी स्लीपर वगैरह में तो आपको सीट्स अवेलेबल मिल जाएगी। ये देखो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अमगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। खैर अब जो है जनरल कोच की हालत वगैरह हमने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। 6 इसमें जनरल लगे हैं और 6 ही स्लीपर लगे हैं और मात्र 2 ही एसी कोच है। एक अपना थर्ड एसी और एक सेकंड एसी का, एक एक कोच लगा हुआ है। तो टोटल ये है भाई इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन। अब यहाँ से अब अपन चलेंगे वापस अपने थर्ड एसी के कोच की तरफ, क्योंकि तो वैसे भी अब अंधेरा होना स्टार्ट हो गया और लगेज वगैरह वहाँ पर रखा हुआ है, तो वापस जाना अपनी सीट पर भी ज़रूरी है। तो ये पहुंच चुकी है अभी अपनी ट्रेन अमगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन पे 2 ही प्लेटफॉर्म है, 14 ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप है। और लगभग 8-9 कोचेस पीछे जाना है हम लोगों को, इसलिए फटाफट हम जा रहे हैं अपने थर्ड एसी B1 कोच की तरफ। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे भी आपको स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। वो नीचे की साइड में उतर के है एक स्टॉल जहाँ पर आपको खाने पीने के आइटम्स मिल जाएंगे। इस स्टॉल की बात कर रहे हैं हम रेलवे स्टेशन पे, ये वाला स्टॉल आपको मिल जाएगा जहाँ से खाने पीने के आइटम आप ले सकते हो। और भाई साहब अभी 4 कोच और बचे हैं अपने B1 कोच के लिए। खैर अब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर चल भी गई तो यहाँ से अंदर ही अंदर जाने का भी ऑप्शन है, क्योंकि स्लीपर के कोचेज आ गए हैं इधर पे। तो फाइनली टाइम रहते हम तो पहुँच गए अपने कोच पे B1 पे। और वैसे अभी तक ट्रेन नहीं चली है, वैसे 2 ही मिनट का होल्ट है लेकिन लगभग 5-7 मिनट से रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि अभी एक और क्रॉसिंग होने वाली है, सिंगल लाइन डीजल, सिंगल डीजल लाइन है। इसी वजह से भाई ट्रेन क्रॉस होंगी तो रुकना ही पड़ेगा। तो अभी आ रही है वहाँ से बेंगलुरु न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस, वो थोड़ा लेट भी चल रही है, नहीं तो पहले हो जाती उसकी क्रॉसिंग। तो अभी वो आ रही है बेंगलुरु न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस, वो यहाँ से क्रॉस होने वाली है। इसी वजह से अपन लोगों को लूप पर ही रोक दिया है। धूल उड़ाती हुई एकदम। क्रॉसिंग होने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं। बाकी अभी जो बगल में आप रेक देख रहे हो ये है इलेक्शन स्पेशल ट्रेन का, और पूरा जो रेक है एकदम ब्लू ICF रेक है। देख रहे हो एंड टू एंड, एक भी इसमें उत्कृष्ट का ये पीला वाला कोच नहीं है, पूरे एंड टू एंड इसमें ब्लू ICF कोचेस लगे हुए हैं। तो बहुत रेयर हो गया भाई साहब ऐसा रेक देखने को मिलना, ऑपरेशनल ट्रेन्स में तो मिलता ही नहीं है। बट अभी ये इलेक्शन स्पेशल ट्रेन है, इसमें लगा हुआ है पूरा रेक, देख रहे हो एंड टू एंड ब्लू।
भाई हम स्लीपर और जनरल दिखा रहे थे यहाँ, तो अपना थर्ड एसी का कोच भी काफ़ी ज़्यादा खाली पड़ा हुआ है, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा खाली, पैसेंजर्स हैं ही नहीं, बहुत मतलब आधा भी नहीं भरा हुआ है कोच, ये समझ लो इतना खाली पड़ा हुआ है। अपने निर्धारित समय से 33 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग मरियानी जंक्शन, जो कि आसाम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मरियानी जो है ना, ये अपने गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जाना जाता है, जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे 20 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अपनी ट्रेन का होता है डायरेक्शन रिवर्सल, यहाँ पर लोको रिवर्सल होगा, लोकोमोटिव भी आगे साइड लगा है उसको लगाया जाएगा इस साइड, और अभी हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, अब अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और इसीलिए 20 मिनट का होल्ड दिया हुआ है यहाँ पर अपनी ट्रेन का। चलो आगे साइड जाके भी हम आपको दिखा देंगे जो भी लोकोमोटिव कपलिंग वगैरह होगी, अब देखते हैं यही लोकोमोटिव लगाया जाएगा या फिर नया लोकोमोटिव यहाँ से कपल कर दिया जाएगा अपनी ट्रेन में। तो मरियानी जंक्शन के हम लोग आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे आपको ऑप्शन और मतलब स्टॉल्स वगैरह दिख जाएंगे खाने पीने की। वैसे भी यहाँ पर थोड़ी बारिश हो गई इसलिए थोड़ा गीला भी है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मतलब काफ़ी सारे स्टॉल्स इस साइड भी हैं उस साइड भी हैं, तो स्टॉल्स वगैरह हैं जहाँ पर आप नाश्ता चाय ये सारी चीज़ें तो ले ही सकते हो। साथ ही यहाँ पर पूरी सब्जी वगैरह भी आपको मिल जाएगी, अगर आप यहाँ पर अपना रात का डिनर वगैरह लेना चाहते हो या डिनर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ले सकते हो इस रेलवे स्टेशन पर। और एक और चीज़ इस नागालैंड एक्सप्रेस के बारे में हम आपको बता देते हैं, इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार का कोच नहीं मिलेगा, क्योंकि जर्नी इतनी शॉर्ट है तो इसमें पेंट्री कार का कोच नहीं लगा हुआ है, और ना ही अभी तक कोई साइड पेंट्री वगैरह देखने को मिली है, और ऑनलाइन भी स्टेशन पर खाना अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन हमने चेक किया, किसी भी रेलवे स्टेशन पे ऑनलाइन फूड अवेलेबल नहीं है, तो अब जो भी ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने साथ खाना लेकर चलो इस ट्रेन में आ रहे हो, या तो फिर ऐसे रेलवे स्टेशन पे आपको जो भी पूरी सब्जी वगैरह मिलेगी वो आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर मटर आलू की सब्जी और पूरी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है रेलवे स्टेशन पे। देखते हैं हम भी यहीं से ले लेंगे खाने पीने का, नहीं तो फिर रात में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आगे कुछ भी मिलने वाला है कि नहीं कुछ पता नहीं है, और ट्रेन में तो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी देखो यहाँ पर फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, जोरदार पानी गिर रहा है, जोरदार बारिश तो स्टार्ट हो ही गई है। और जो डिल्लू भाई अपने साथ में लग के आया हुआ है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से, वही वापस से जा रहा है पीछे की साइड कपल होने अपनी ट्रेन में। कपलिंग दिखाने आगे की साइड जाते हैं, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि बारिश होने लग गई है, और इधर पे शेड वगैरह कुछ है ही नहीं है। अब सोचो जो रेलवे का स्टाफ है वो ऐसे में ही भींगते हुए काम करेगा, कपलिंग करेगा ट्रेन की, तो बहुत मेहनत का काम होता है यार, बिल्कुल जो ग्राउंड स्टाफ होता है उनका तो बहुत ज़्यादा मेहनत का। अब सोचो पानी है, धूप है, ठंड है, कुछ भी है, उनको करना ही पड़ेगा वो काम, वही है। अभी लोकोमोटिव गया है आगे की साइड है, वो रहा, अभी आगे वापस से कपल होगा अपनी ट्रेन में। बढ़िया सी बारिश हो गई, हम लोगों का लोको रिवर्सल हो गया, येलो सिग्नल मिल गया, और हम लोग तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए। एक और एल्को डीजल लोकोमोटिव खड़ा हुआ है यहाँ पर, WDM3A। तो जैसे कि हमने बताया था कि स्टेशन पे खाने पीने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट ट्रेन में नहीं, और आगे स्टेशन पे होंगे कि नहीं कुछ नहीं पता, क्योंकि आगे बहुत छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है जहाँ 1-1, 2-2 मिनट के हॉल्ट है अपनी ट्रेन के, मतलब 5-7 ऐसे रेलवे स्टेशन है छोटे छोटे जहाँ पर कुछ कवर करना भी पॉसिबल नहीं है, तो खाना पीना तो कहाँ से ही मिलेगा, ऑनलाइन कुछ है नहीं है जैसे कि हमने बताया था। तो इसी रेलवे स्टेशन पे मरियानी जंक्शन पे ही हमने जो है अपना डिनर कर लिया, डिनर में जो था वहीं पे हमने बताया पूरी और एक चने आलू की सब्जी मिल रही थी, छोले आलू की, छोला आलू चना आलू वैसे ही था, ठीक है, और सब्जी बढ़िया थी, मटर आलू थी, छोला ना चना मटर आलू, मटर नहीं होती जो बॉईल करते हैं अपन लोग या गला लेते हैं, पानी भिगो के रख दो रात में और सुबह उबाल के बना लो, वैसी वाली वो चाट वाली मटर, तो वाली मटर थी, आलू मटर आलू और पूड़ी थी, तो बढ़िया आपको 30 रुपये में 6 पूड़ी और मटर आलू की सब्जी मिल जाएगी यहाँ पर, तो सही था, टेस्ट भी एकदम फ्रेश गर्मा गर्म सब्जी भी मिल गई थी,
तो खाने का टेस्ट भी बढ़िया था, तो वहीं पर हमने अपना डिनर कर लिया, टाइम भी कम बचा हुआ था, लोकोमोटिव लगी गया था, तो हमने सोचा खा लेते हैं, उसके बाद निकलने का था, आपको पूरा बता देंगे एक बार में कैसा क्या है। और भाई नॉर्थ ईस्ट के साइड हम कई बार ट्रैवल कर चुके हैं और बहुत बार हमने एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ के लोग जो है ना वाकई में बहुत बढ़िया लोग हैं। मतलब अभी भी एक एक्सपीरियंस हुआ स्टेशन पे, हमने क्या हुआ, 6 पूड़ी थी, हमने 2 और ले ली, हमने जो भी एक्स्ट्रा होगा वो पे कर देंगे, 2 एक्स्ट्रा पूड़ी हमने ले ली 6 के बाद। उसके हमने जब पैसे पूछे कह रहे 30 ही रुपये, हमने 30 की तो 6 थी ना, हमने 2 एक्स्ट्रा ली थी, क्या कोई बात नहीं, अरे हमने नहीं आप लो 10 रुपये और दिए हमने उनको कि भाई अब आपका जो भी बनता है उतना तो लो ना, जो सही प्राइस है वो तो आप लो, जो आपका हक है ना। तो लोग मतलब यार वाकई बहुत सही है इधर के, मतलब आप थोड़ा ट्रैवल करोगे एक्सप्लोर करोगे तो आपको फील होगा हाँ यार लोग बेहतरीन है। कभी कभी मन तो ऐसा करता है कि कुछ दिन बस घूमते रहें हम ऐसे ही नॉर्मली यहाँ के जगहों पर और बस एक्सप्लोर करें और यहाँ पर रहें बस आराम से यहाँ की वैलीज़ वगैरह में, लेकिन इतना समय मिल नहीं पाता, क्या करें, लगातार ट्रेन का कंटेंट भी आप लोगों को देना रहता है, इसी वजह से कभी करेंगे ऐसा भी करेंगे कि किसी दिन मतलब 4-5 दिन का ऐसा कोई प्लान बना के रुकेंगे नॉर्थ ईस्ट में कहीं, बढ़िया कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे, ऐसा कुछ ऐसा प्लान है हमारा। बाकी जो लोग भी नॉर्थ ईस्ट से हैं कमेंट्स ज़रूर बताना भाई कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है। वैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ब्लॉग्स आप ट्रेन जर्नीज वगैरह भी चैनल पे देख सकते हो, जैसे कि नागालैंड का सेकंड रेलवे स्टेशन सुखोवी ओपन हुआ था, वहाँ भी हम गए हुए थे, ठीक है, वो रूट भी कवर किया हुआ है, तो बहुत सारे आपको जर्नीज मिल जाएंगे ईटानगर नहरलगुन वाली ट्रेन के भी, तो वो सब आपको चैनल पे मिलेंगे, तो वो सब आप भी इंजॉय कर सकते हो चैनल पे देख के। क्योंकि कई लोग कहते हैं आसाम साइड आओ यहाँ की ट्रेन्स कवर नहीं करी, इस साइड कोई आता नहीं, तो ऐसी बात नहीं भाई, बहुत सारी ट्रेन्स यहाँ की हम कवर कर चुके हैं, कई बार आते हैं, साल में 2-3 चक्कर लग ही जाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट की साइड में, तो आप देख सकते हो जर्नीज। किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग जोरहट टाउन रेलवे स्टेशन, जो कि आसाम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे यहाँ पर आपको इंडिया का लार्जेस्ट टी रिसर्च सेंटर भी देखने को मिल जाएगा। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 4 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, 2 यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं, और अपनी नागालैंड एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे 5 मिनट का हॉल्ट है। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे पीछे की साइड में तो जो है काफ़ी बढ़िया लाइटिंग वगैरह और सारी चीज़ें हैं, लेकिन आगे की साइड में एकदम लाइट वगैरह नहीं है। अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो ऊपर में शेड वगैरह होता है उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इधर पे एकदम अंधेरा है आगे की साइड। अभी प्लेटफॉर्म वगैरह भी अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा, यहाँ पर ये देख रहे हो कच्चा पड़ा हुआ है। चलो भाई साहब हम आपको वॉशरूम वगैरह दिखा देते हैं इस ट्रेन की, तो साफ़ सफाई यहाँ भी देख लो वॉशरूम की बढ़िया है, मेंटेनेंस साफ़ सफाई सही है। अब चलते हैं वॉशरूम में, पहले लगा लेते हैं गेट, तो भाई यहाँ भी साफ़ सफाई सही है, हैंड वॉश वगैरह सब अवेलेबल है, मेरा वगैरह भी देख लो, तो साफ़ सफाई सही है भाई इस ट्रेन में, अंदर भी और बाहर वॉशरूम वॉशरूम की साइड भी मेंटेन तो सही कर रखा है, साफ़ सफाई के मामले में कोई कमी नहीं। दो सौ 35 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग फरकाटिंग जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आसाम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर 3 लाइन्स अगर मिलती है, एक तो आती है गुवाहाटी से लमडिंग होती हुई जिसपे भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और एक लाइन आती है मरियानी जंक्शन से
जोरट टाउन होती हुई जिससे भी हम लोग आ रहे हैं, और एक और लाइन डायरेक्ट आती है मरियानी जंक्शन से फरकाटिंग जंक्शन के लिए। वैसे दो रूट हैं मरियानी जंक्शन से, एक तो डायरेक्ट आता है सीधा सीधा, और एक लाइन आती है जोरट टाउन से जिससे हम लोग घूम के आए हैं, इसलिए वहाँ से ज़्यादा समय लगता है। और डायरेक्ट आती है ट्रेन तो थोड़ा सा कम समय लगता है, क्योंकि वैसे डायरेक्ट में जो है ना सीधा सीधा जो रूट है उसमें लोगों को रिवर्सल भी नहीं लेना पड़ता है ट्रेन को, जो भी ट्रेन आती है तिनसुकिया या डिब्रूगढ़ साइड से। और डिस्टेंस पड़ता है मात्र 38 किलोमीटर, और यहाँ से अभी हम लोग आए हैं तो लगभग 85 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ा है, और अपनी ट्रेन को यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप दिया है। तो भाई सिंगल रूट है, सिंगल लाइन है, और यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है विवेक एक्सप्रेस की। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ जाने वाली विवेक एक्सप्रेस, इंडियास लॉन्गेस्ट ट्रेन। भाई साहब अभी बहुत जोरदार चीज हमारे सिर पे गिरी है। क्या हुआ, अभी यहाँ पर बैठे हुए थे, ये जो कोच अटेंडेंट वाली सीट है ना इस पे बैठे हुए थे यहाँ पर, और ये जो पैनल आप देख रहे हो ये ऊपर ऐसे लगा हुआ था, ठीक है, ऐसे लगा हुआ था, और एकदम से ये खुल के ऐसे घला है और हमारे सिर पे इतनी जोरदार लगी है ना भाई साहब। कभी भी आप ऐसी जगह कोई भी बैठ रहे हो ना, और ये पुराने कोचेज हैं तो थोड़े से सावधान रहना। ये कहो इतना ज़्यादा कुछ ऐसी गहरी चोट नहीं लगी जो खून वून आ जाए या गहराई से अंदर से लग जाए, ये कहो बच गए, लेकिन ये बहुत बुरा लग सकता था। इस चीज़ का ध्यान देना कभी भी आप लोग, ऐसे पुराने कोचेस में ऐसे ऐसे टिका हुआ था और एकदम झटका लगा और पटाख से ऐसे गिरा है हमारे सिर पे। अपने निर्धारित समय से 23 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी नागालैंड एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। वैसे ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस सही रहा इस ट्रेन का। वैसे जो इसका 3rd AC कोच है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, सीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। एक तो ICF कोच था पुराना, और भाई मेंटेन बहुत अच्छा किया हुआ था, साफ सफाई वगैरह भी सब सही थी। बस वही है खाने पीने की एक इशू है, तो खाना पीना आप साथ में लेकर चलो तो वो बढ़िया रहेगा, बाकी तो सब ठीक ही रहा इस जर्नी में। आपको कैसी लगी है ये जर्नी, और मेन तो एल्को लोकोमोटिव जो है, एल्को लोकोमोटिव की चेकिंग वगैरह ये सब कैसा लगा है आपको कमेंट्स में जरूर बताना, और लास्ट जर्नी आपकी कब रही एल्को लोकोमोटिव के साथ ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट जर्नीज आए आपसे मिस नहीं हो, क्योंकि आगे जो जर्नी आने वाली है चैनल पे काफ़ी लंबी जर्नी है भाई, इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी होने वाली है, ठीक है ना। तो नहीं अभी तक किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम का यूजर आईडी भी यहाँ पे आ रहा है भाई, फॉलो कर लो, बहुत सारे अपडेट्स वगैरह हम वहाँ पर देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।